just perfect even me. हाँ तो भाई कैमरा एंगल ठीक है हाँ तो मेरे बाल यार अभी बड़े नहीं हुए ठीक है. सो एवरीवन दिस इज मनी शेयरिंग यू आर वाचिंग इन दिस ब्लॉग. सो मुझे पता है आप लोग बहुत इंतज़ार कर रहे होंगे, शायद नहीं कर रहे लेकिन हाँ कर रहे होंगे कि यार ये वीडियो क्यों नहीं डालता. सो इसीलिए मैं आज वीडियो डालूँगा. सो देख लो वीडियो किसके ऊपर है, चलो देख. सो ये है कोटा की कचौरी और समोसा स्पेशल. तो ये है प्लेस जहाँ हम आए हैं घूमने गैपरनाथ. चलते हैं देखते हैं. थोड़ा फाचे जा और फाचे जा, पूरी आड़ी खाओगे पूरी चीज़ा ठीक है ना? ठीक है ना? आ रहा है ना सब? आ रहा है. देखा मैं दीदी जा इधर घुमा ले आप ले आप. डर क्यों रहे हो तुम? तो देखो भाई ये है जगह, नाम है इसका गैपरनाथ, श्री महादेव जी का टेंपल है यहाँ पर. और कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का बरसात में. और सामने देखिए कितनी हरियाली है, लग रहा है ना कि अमेरिका में आ गए. इमेजिन की इस जगह कोटा में भी हो सकती है. सो इसके जैसा एक और एक प्लेस है, इसका नाम है गराड़िया महादेव. और दो तीन जगह कुछ ऐसी हैं जहाँ पर वाटरफॉल्स आपको देखने को मिल जाएंगे. तो एक वहाँ उधर निकलता है तो अभी यहाँ से दिख नहीं रहा है, लेकिन नीचे देखिए आप. सो हम अपनी जगह पर आ चुके हैं, नाम है गैपरनाथ. और मैं इसी जगह के बारे में बात कर रहा था. सो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट डाउन बताएं. और ये जगह मेरे घर से करीब 29-30 किलोमीटर दूर है. सो मैं यहाँ पर सेकंड टाइम आ रहा हूँ. एक बार मैं आया था 1 जनवरी 2018 को, पहली बार आया था. सो ये सेकेंड टाइम है. सो आज अभी पता नहीं, आज संडे होते हुए भी पता नहीं थोड़ी भीड़ थोड़ी कम लग रही है मुझे. सो देखते हैं, प्लीज़ लाइक कर देना. चारों तरफ का सीन
बहुत सारी सीढ़ियाँ सो यहाँ पर इन सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद सामने मंदिर है महादेव का, गेपरनाथ श्री महादेव मंदिर का मंदिर है। सो देखते हैं नीचे। देखिए वहाँ से आ रहे हैं ऊपर टॉप से, अभी तो कुछ और सीढ़ियाँ बाकी हैं, बाकी ही हैं। तो सामने ये है मंदिर महादेव जी का, बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। तो ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ का। अभी बरसात में यहाँ नीचे जाना मना है, इसलिए कोई नीचे आपको दिख नहीं रहा है, नहीं तो मैं आपको नीचे ले जाके दिखाता। तो अभी नीचे जाना मना है, इसलिए मैं नीचे अभी नहीं जा सकता। खास तो बोलते हैं कि नीचे जाना अभी अलाउ नहीं है, नीचे जाकर फिर जो भी कुछ है वही ऊपर से आपने देखा। नीचे अगर जाने देते तो नीचे जाकर फिर जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे इधर जाना भी मना है बरसात में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी घटनाएँ भी दुर्घटना हो जाती है, लोग मर जाते हैं, इसलिए यहाँ पर अभी मना कर रहे हैं। सो आई होप आपको ये पूछ रहे कि सब कुछ ये बोलना थे गेपरनाथ जी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो मैं वापस जा रहा हूँ और बरसात आने लगती है, बारिश चालू हो चुकी है। मैं इसलिए अपने बैग के साथ अपने बैग लाया था और उसके अंदर मैं रेनकोट लेके आया हूँ। सो चलते हैं वापस। सीढ़ियों से उतरना आसान है कंपेयर टू चढ़ना। अभी हमें वहाँ जाना है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है। अगर आप कोटा आते हैं घूमने तो प्लीज़ एक बार इसको जरूर विज़िट करें, बरसात में कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है। अंकल ने कहा है कि जल्दी से निकल जाओ, जल्दी उसके वहाँ से चल जाओ, नहीं तो अभी बारिश होगी तो बीच में नदियाँ बह रही हैं, नाले जाम हो जाएंगे और वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो उनकी बात को मद्देनजर रखते हुए मैं वापस जा रहा हूँ घर। सो मैंने नाश्ता तो कर लिया था लेकिन मुझे फिर दोबारा भूख लगी, खा रहा हूँ कड़ी कचौरी।